हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकेजिटिक लर्निंग में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस बॉर्डर बटालियन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। जिन भी कैंडिडेट्स ने 2700 वैकेंसीज के लिए जेके पुलिस कांस्टेबल 2 बॉर्डर बटालियन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म फिल किया था, उनका एग्जाम 26 अक्टूबर 2022 को होने वाला है और उन सभी का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है जिससे आप अपना एडमिट कार्ड इजीली से डाउनलोड कर सकें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने jkpolice.gov.in की वेबसाइट को ओपन करके रखा है और आप यहां देखेंगे नीचे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको दिखाई दे रहे होंगे और यहां लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अंदर आपको डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फॉर रिटर्न टेस्ट 2 बॉर्डर बटालियन का एक जो लिंक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ रीड मोड पे आप क्लिक करेंगे। देखिए, हमने रीड मोड पे क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपके सामने यहाँ पे कुछ टाइटल दिखाई दे रहे हैं, उनके डेट्स और अटैचमेंट आपको दिखाई दे रही हैं। सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फॉर रिटर्न टेस्ट 2 बॉर्डर बटालियन पे क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे आप भी क्लिक करेंगे आपका एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया हमारे पास कांस्टेबल वुमेन बटालियन और नीचे यहाँ पे कांस्टेबल बॉर्डर बटालियन जो है, इसके लिए आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो अब नीचे लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉग इन फॉर रिटर्न एग्जाम एडमिट कार्ड। आप एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे, आप डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है हमारे पास यूज़र लॉगिन। आप यूज़र लॉगिन के लिए सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी होनी चाहिए, जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बोल रहा था कि कौन कौन से आपके पास होनी चाहिए। जब आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया होगा, आपको एक फॉर्म मिला होगा तो उसमें रजिस्ट्रेशन आईडी लिखी गई होगी, वो आपको यहाँ पे डालना है। तो अगर आपके पास वो नहीं है, आपने ऑनलाइन ही सबमिट करवाया तो आपने ऑफलाइन करवाया होगा, तो ऑफलाइन का यहाँ पे फॉर्म नंबर होगा, आप वो फॉर्म नंबर यहाँ पे डालेंगे। ये आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है और जो मोबाइल नंबर आपने डाला था जब आपने रजिस्ट्रेशन की थी, वही आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। अदरवाइज आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं जो आपने अपडेट करवाई होगी अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय, जो ऑफलाइन फिल करते समय, तो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपने क्या यहाँ पे कैप्चर कोड डाल देना है। कैप्चर कोड डालने के बाद आप लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका जो एडमिट कार्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। आप उस पीडीएफ को या डाउनलोड कर सकते हैं या उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको यही बताना था कि हमारे पास जेके पुलिस बॉर्डर बटालियन एग्जाम जो है उसकी डेट जो है 26 अक्टूबर 2022 है और उसका जो है एडमिट कार्ड आज 17 को रिलीज कर दिया गया है और आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर।